आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मृतक के परिजनों का हंगामा। बुरहानपुर जिले के बजाज शोरूम में हुए विवाद के बाद युवक की हाईवे पर दुर्घटना में हुई मौत पर आज मृतक के परिजनों ने शिकारपुरा थाने का घेराव कर आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजाज शोरूम पर एक युवक बाइक की सर्विसिंग के लिए गया था। किसी बात को लेकर युवक और शोरूम के वर्करों के बीच वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ चुका था कि हाथापाई तक पहुँच गई। युवक किसी प्रकार से शोरूम से स्वयं अपनी जान बचाकर बाइक लेकर वहां से भाग निकला, किंतु जल्दबाजी और घबराहट के बीच में युवक ट्रैक्टर से जाकर टकराया था, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। यह घटना 2 दिन पूर्व की है। उसके पश्चात परिजन आज शिकारपुरा थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, किंतु आज तक किसी प्रकार भी आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस घटना की जाँच करते हुए शोरूम के CCTV कैमरों की जाँच की गई, जिसमें पाया कि शोरूम के सारे वर्कर युवक पर जानलेवा हमला करते हुए कैमरे में दिखाई दे रहे। किसी के हाथ में लोहे की रॉड है तो किसी के हाथ में लोहे का पाना, अन्य प्रकार के औजारों से लगातार युवक पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इस वीडियो की जांच करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। जो स्टाफ वाले हैं उन्होंने भी मेरे को मारा, बोले मैं निकल रहा हूँ वहाँ से जीजा, मतलब मैं आ रहा हूँ रुक, वो बोले मैं जान बचा के भाग रहा हूँ वहाँ से, बोले जीजा आ जाओ जल्दी। तो मेरा कहना है जिसने इमरान ने इमरान के साथीदार ने बजाज शोरूम के जो भी कर्मचारी है उन्होंने रुपेश को मारा है उसको सजा चाहिए, बस यही मेरा कहना है। क्या नाम है? अजय सुरेश कह रहे हैं, उसका जीजा बोल रहा हूँ। शोरूम में जो बच्चे के साथ घटना हुई, जो भी बात उनमें आपस में हुई, तो शोरूम के मालिक और अन्य स्टाफ का मैनेजर का सर्वप्रथम कर्तव्य ये था कि पुलिस को फोन लगाते। अगर कोई किंतु परंतु वाली बात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही मारने लग जाओ। कुछ वीडियो वायरल हुआ है उसमें हमने देखा है कि 2-4-5 लोग रॉड से मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ये कानून की श्रेणी में नहीं आता है। पुलिस थाने कोर्ट कचहरी काय के लिए बनी है? तो ये सब चीज़ों का पालन शोरूम द्वारा और वहाँ के स्टाफ द्वारा नहीं किया गया है, तो वही आक्रोशित हो गए सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं तो क्या भैया यहाँ पे था नहीं, मेरा कोई पारिवारिक कार्य काम मतलब घर पे कार्यक्रम नहीं था, वहाँ से मेरे को फ़ोन आया तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि कुछ कोई एक आदमी था जो सर्विसिंग कराने आया और यहाँ से गया के कोई ट्रैक्टर में शायद हो गया और उसका वहीं डेथ हो गई, तो उसके बाद वो हो गया, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कोई विवाद हुआ है। बताया जा रहा है यहाँ पे बहुत मारा गया, उनके जैसे परिजन बता रहे हैं उसको पाइप से मारा गया। हाँ वो तो देखो भैया क्या कैमरे हैं यहाँ पे सब लगे हुए और उसमें दिख जाएगा, क्योंकि अभी लोग तो सब डर के जो भी होंगे लड़के यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई है नहीं, तो फिर अभी किससे क्या बात है। इमरान नामक युवक के साथ में 10 लोगों ने मारा, कौन कौन से लोग थे क्या कोई जानकारी है? नहीं भैया कोई जानकारी। इमरान कौन है? इमरान के मैकेनिक है हमारे यहाँ पे। अब क्या काम करते हैं? कितने सालों से अपने काम कर रहा हो? 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ। कहाँ रहता है? ये बुधवार इतवार तरफ कहीं रहता है। क्या नाम? अरुण पारी। उसके एक अन्य साथी था, उसके साथ बजाज शोरूम में गए थे, वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके साथ है ना सर्विस का काम के लिए किसी बात को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ है, वो धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल में इनकी रिपोर्ट में हमने अपराध दर्ज कर दिया है और एक उसमें इमरान और अन्य साथियों के ऊपर हमने अपराध दर्ज कर लिया है और उसका DVR और जो फुटेज है हमने पूरे खंगाले हैं और उसके आधार पर जो फुटेज आता है उसके आधार पर वो जो भी अन्य आरोपी हैं उसमें नाम बढ़ जाएंगे। सर क्या कौन कौन सी धाराएं लगाई? उसमें धारा है 296 है, 115 है, 351 है, 305 है और एक और अपराध कायम हुआ है जिसमें जो बच्चा खत्म हुआ है उसमें 106 के अंतर्गत कार्रवाई की है और फिलहाल 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध हैं और फिलहाल उसके PM करते परिजन को सपोर्ट कर दिया है, तो फिलहाल में कार्रवाई चल रही है। सर इसको एक्सीडेंट का रूप धारण माना जाएगा या फिर विवाद की घटना को लेकर? 2 घटना अलग अलग हुई है, एक शोरूम में हुई है उसका अलग मुकदमा कायम है और एक्सीडेंट की घटना अलग हुई है, जीजा माता के आसपास हुई है उसी घटना अलग है, 2 घटनाएं अलग अलग हैं। उसमें जो एक्सीडेंटल की घटना में ट्रैक्टर और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सर इसमें बजाज शोरूम पर भी कोई कार्रवाई होगी? निश्चित ही जो फुटेज मिलेंगे और फुटेज के आधार पर जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ उसमें अभी हमने अभी बयान चल रहे हैं, तो बुलाया है अभी बयान ले लेंगे, जैसे साक्ष्य आएंगे उसमें गिरफ्तारी होती जाएगी।